समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों, आपने समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों को अभी देखा है, अब हम समांतर चतुर्भुज के विकर्णों से संबंधित कुछ गुणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपके सामने एक ही आकार के तीन समानांतर चतुर्भुज बने हुए हैं। ये जो काली रेखाएं आप देख रहे हैं वो समानांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित कर रहा है। ये बीच के हिस्से को आप छोड़ सकते हैं, केवल हम इन रेखाओं की बात कर रहे हैं जिनसे आकृति बन रही। ये समांतर चतुर्भुज है और उसी नाप के हमने दो और समानांतर चतुर्भुज आपके सामने मॉडल के रूप में बना के रखे हैं। अब इसमें एक बात ये कहती है कि जो इनके विकर्ण हैं वो इसको दो सर्वांगसम हिस्सों में बांटते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटते हैं, यह बात कही जा रही है। तो आप देखिए, इस चतुर्भुज में हम एक विकर्ण तो ये खींच सकते हैं और दूसरा विकर्ण ये हो सकता है। अब हमको ये देखना है कि पहला सवाल तो ये है, क्या यह विकर्ण इस पूरे समानांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम हिस्सों में बांटते हैं? ये एक सवाल है। तो आप इन दोनों के यदि काट के मिला के देखें, दोनों एक दूसरे को ढकते हैं कि नहीं, तब पता चलेगा सर्वांगसम है कि नहीं। वैसे ही आप यदि इस विकर्ण के किनारे इन दोनों त्रिभुजों को बांट के देखें और देखें क्या है वो सर्वांगसम है, तो ये पता चल सकता है। दूसरी बात ये हमें देखनी है कि सर्वांगसम त्रिभुज तो बन ही रहे हैं, लेकिन ये कहता है कि अगर विकर्ण एक दूसरे को काटें तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जो बिंदु आप यहाँ देख रहे हैं वो एक ऐसा बिंदु है जो इस विकर्ण का, जो लाल रंग की रेखा से प्रदर्शित हो रही है, उसका भी मध्य बिंदु है, और ये हरे रंग की लाइन से दिखने वाला जो विकर्ण है उसका भी मध्य बिंदु है। यानी ये जो विकर्ण है जिसे हमने लाल रंग से खींचा हुआ है वो हरे रंग के विकर्ण को दो बराबर भाग में बांटता है, और ये जो हरे रंग का विकर्ण है वो लाल रंग के विकर्ण को भी दो बराबर भाग में बांटता है, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बात हमें देखनी है। तो इसके लिए हम इस पूरे समानांतर चतुर्भुज को चार हिस्से में बांटेंगे और देखेंगे क्या ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और क्या ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये हम देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले इस त्रिभुज को काटते हैं इस विकर्ण के आधार पर और देखते हैं कि जो दो टुकड़े हमें मिल रहे हैं वो कैसे हैं आपस में। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने इस समानांतर चतुर्भुज के दो हिस्से करते हैं, आप ध्यान से देखिए, बहुत सावधानी से काटना है इसे। जब हम किसी चीज़ की आकृति बनाते हैं और उस पर काम करते हैं तो वो एक्यूरेसी थोड़ी उसमें कम होती है, क्योंकि हम जिन रेखाओं का उपयोग कर रहे हैं वास्तव में वो आदर्श रेखा नहीं हो सकती, और उसकी अपनी मोटाई होती है और उस मोटाई के कारण माप में कुछ फ़र्क आ सकता है। इसीलिए प्रायोगिक तौर पर किए जाने वाले इन चीज़ों के आधार पर हम किसी प्रमेय को सिद्ध नहीं कर सकते, केवल एक रूप, एक उसका एक प्रारूप हमारे सामने दिखाई देता है और हम थोड़ा समझ बना पाते हैं कि जो हम थ्योरम के माध्यम से प्रूव करते हैं वो प्रायोगिक रूप से क्या सत्य हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। इस समानांतर चतुर्भुज को हमने एक विकर्ण के सापेक्ष दो बराबर हिस्सों में काटा, और काटने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दें। अब देखिए, ये चतुर्भुज इस तरह से था और इसको हमने काट लिया दो बराबर भागों में। अब हमको देखना क्या सचमुच बराबर है। तो अब देखिए कि अगर हम इस आकृति को इसके ऊपर रखें और ढक लें तो शायद हम कह सकते हैं चीज़ बराबर हो सकती है। चलिए हम इनको अलग अलग करते हैं और इस आकृति को इस तरह से घुमा लें, तो देखिए दोनों अब एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं। अब इसको हम एक काम करें, इसको इसके ऊपर रखें और देखें क्या पूरी तरह ढक पा रहा है। ये हमने इस कोने को मिलाया आपस में और इस कोने को मिलाया, तो अब देखिए लगभग जो आकृति हमें मिल रही है वो दोनों एक जैसी ही है। तो आप मोटे तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कि यदि हम समानांतर चतुर्भुज को एक विकर्ण के सापेक्ष काटते हैं तो हमें दो सर्वांगसम त्रिभुज मिलते हैं। ठीक ऐसा ही हम इसके साथ एक बार कोशिश करके देखें। ये हमने दूसरा विकर्ण खींचा हुआ है और इसे भी हम काट लें जैसा पहले उससे काटा था, और ऐसे भी देखें इस तरह से जो दो त्रिभुज मिल रहे हैं हमें उनके बारे में क्या बात निकल के आती है। यहाँ पर भी देखिए, जो विकर्ण था उसके सापेक्ष हम इस समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं और देखते हैं क्या दोनों बराबर हैं।
इसे आप घुमा लें और एक दूसरे के ऊपर रख के देखें। अब देखिए दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरह ढक रही हैं। तो आपने देखा कि दूसरे विकर्ण के सापेक्ष भी जब हम चतुर्भुज को काटते हैं तब दो त्रिभुज जो हमें मिल रहे हैं वो आपस में बिल्कुल एक बराबर हैं, सर्वांग सम हैं। इस बात को हम सैद्धांतिक तौर पर भी प्रूफ करके देखेंगे, ये आकृति चतुर्भुज की ये बनी। अब हमें दूसरी चीज़ के बारे में सोचना है, क्या ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी यदि हम चार त्रिभुज बनाएं तो देखेंगे क्या ये भुजा इस भुजा के बराबर है और क्या ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। यदि ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। चलिए एक कोशिश और करके देखें, इस विकर्ण के सापेक्ष हम इस चतुर्भुज को काटें। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, थोड़ी सावधानी से एक निश्चित माप का समांतर चतुर्भुज बनाइए और ये कोशिश करें कि उसकी भुजाएं आमने सामने के बराबर भी हों और समानांतर भी हों, और फिर आप उन्हें बनाने के बाद उन पर दो विकर्ण खींच लें और विकर्णों के सापेक्ष उन्हें काट कर देखें। तो अब देखिए पहले तो हमने इसे दो त्रिभुजों में बांटा, अब हम दो त्रिभुज और बनाएंगे। ये जो विकर्ण जो लाल रंग की रेखा से प्रदर्शित था उसे भी हम काट रहे हैं। ये दो त्रिभुज और हमें मिल गए और इसे भी हम काट लें। ये समानांतर चतुर्भुज अब चार त्रिभुजों में बट जाएगा। इन्हें हम वापस जमा के देखेंगे कैसे जमे थे ये, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे क्या ये जो चार त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं उनमें से कुछ और भी समानताएं मिलती हैं। ये देखिए जो जैसे जमा था वैसा हम जमा लें पहले। ये देखिए ये समानांतर चतुर्भुज था जिसे हमने पहले तो दो दो त्रिभुजों में बांटा, अब उसके बाद हमने उसके चार टुकड़े कर लिए। अब देखना है कि क्या ये रेखाखंड इसके बराबर है, तो हम इसको इस तरह से मिलाएं कि इसे इन दोनों को हम एक साथ लें और देखें क्या ये बराबर है। ये ऐसे थे और इन्हें हम घुमाएं और एक दूसरे के ऊपर रख लें और देखें क्या जो लाल रंग के विकर्ण के जो दो हिस्से हमने किए वापस में बराबर हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक, और दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। यानी यहाँ पर जो त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहा था, दो त्रिभुज जो मिल रहे थे वो आपस में भी सर्वांग सम हैं। पहले जब कुल दो टुकड़े किए थे वो भी सर्वांग सम थे और जब हमने चार टुकड़े किए तो आमने सामने जो त्रिभुज के खंड मिल रहे हैं वो भी सर्वांग सम हैं और उनके विकर्ण जो दो हिस्से में बटे वो भी आपस में एकदम बराबर हैं। अब इन दोनों के बारे में देखें, ये जो आमने सामने के त्रिभुज थे पहले तो देखें क्या सर्वांग सम है, सर्वांग सम होंगे तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर हो ही जाएंगी। आप इनको भी मिला लें और आप देखिए बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे हैं। यानी ये दोनों त्रिभुज भी जो आमने सामने थे वो सर्वांग सम है और इनके विकर्ण वाले हिस्से को देखिए, जो लाल रंग की रेखाओं को आपने दो बराबर हिस्से में बांटा था, आप देखिए दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। ये देखिए यानी आप बहुत आसानी से इस प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और चार ऐसे त्रिभुज हमको प्राप्त होते हैं जो जिनके दो सर्वांग सम जोड़े आपको मिलते हैं। इसे ऐसा जमाना होगा इस तरह से और इस तरह से। तो ये दो तीन आपने जो समानांतर चतुर्भुज के टुकड़े बनाए उसे दो चीज़ें आपने प्रमाणित की कि दोनों विकर्ण उन्हें दो सर्वांग सम त्रिभुज में बांटते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और इससे बनने वाले जो चार त्रिभुज हैं उनमें दो हमें सर्वांग सम जोड़े मिलते हैं आमने सामने की। ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हैं और ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने प्रयोग के तौर पर देखी, लेकिन बच्चों प्रयोग जो है वो सिद्ध नहीं कहे जा सकते। प्रयोगों के आधार पर हम किसी थ्योरम को या किसी सिद्धांत को सिद्ध करना हो किया हुआ नहीं मान सकते। इसे हम आगे
सैद्धांतिक रूप से प्रूफ करके देखेंगे, सिद्ध करके देखेंगे, वो जो सिद्ध करना होगा वो सिद्ध करना कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।